आज हम इस वीडियो में स्पीडी के जीके के सेट 3 को देखेंगे, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 1975 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, शतरंज जो है रूस का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, रूस देश की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, सैंडल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिकाओं का प्रधान कौन करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, राज्यपाल करता है राज्य की कार्यपालिकाओं का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्गम कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, रेलवे जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जावा देश का पुराना नाम था सुवर्ग द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, फुटबॉल खेल से संबंध है कोपा अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कांग्रेस जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, नर्म लोहे से बना होता है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेददा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, श्रीलंका देश की प्रमुख जनजाति है वेददा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, चीन देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कनिष्ठ को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जीजाबाई जो था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, भाषा की जो कुल संख्या है वो 22 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, डायोप्टर यंत्र से मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उत्तर अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।